dear students, i welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. this is module number 192 and we are going to discuss why denial is common. when we talk about denial, remember one thing that we are concerned with our negative aspects. we are concerned with something for which we are saying no or for no extremism. for example, when we talk about denial, रिमेंबर वन थिंग कि देर आर फ्यू थिंग्स इन आवर लाइफ कि जिसके बारे में हम एक्सट्रीम के ऊपर वो सिर्फ सोचते हैं फॉर आइदर आई एम अ फेलियर और आई एम सक्सेसफुल आइदर आई एम केयरिंग और और आई एम नॉट टेकिंग केयर सो हम लॉयल केयरिंगल के दरमियान किसी स्पेक्ट्रम को नहीं सोचते हम ये सोचते हैं कि जैसे ये सारा कुछ सिर्फ एक हद की हद तक वो मुमकिन है अब हमारे लिए जरूरी है कि जब हम सिचुएशन को एनालाइज करें जब हम

उस वक्त हमारे लिए जरूरी है कि हम एक्सट्रीम्स के ऊपर सिर्फ सोचने की बजाय मिड वैल्यूज को भी वो एनालाइज करें और सोचें अब उसे होगा क्या कि जब हम चीजों को एक्सट्रीम्स पर सोचते हैं तो एक्सट्रीम पर सोचने से हमारा वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ वो चला जाता है हम इम्पॉसिबल टास्क को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं और हम यही नहीं सोचते कि हर इमपॉसिबल के अंदर आई एम पॉसिबल वो छुपा हुआ है हम ये नहीं सोचते कि हमारा नेगेटिव फीडबैक वो हमारे लिए डिस्ट्रेस काज कर सकता है Therefore, याद रखें कि कि के बारे में सोचने की यूनिवर्स अदरवाइज हमारे यहां पर होने का कोई मकसद नहीं है इस बात का मकसद बेसिकली क्या होगा इस बात का मकसद ये है कि हमें डिफरेंस क्रिएट करना है और डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम चीजों को नॉर्मलाइज तरीके से विजुअलाइज करें जब हम नॉर्मलाइज तरीके से चीजों को विजुअलाइज करेंगे तो उस वक्त हमारे अंदर का जो एक्सट्रीमिज्म है हमारी जो नेगेटिव थॉट्स है हमारा जो पैसमिज्म है वो ओवरकम हो सकेगा डियर स्टूडेंट अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि हमारे लिए जरूरी है कि हम चीजों को ऑप्टिमिज्म से सोचें चीजों को नॉर्मली विजुअलाइज करें और उस नॉर्मल विजुअलाइजेशन से ही हम अपनी कामयाबी को इंश्योर वो कर सकते हैं थैंक यू